रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की कक्षा 12 वर्चुअल क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास पढ़ेंगे जिसका दूसरा लेसन है राजा और उसके कार्य अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख अभिलेख पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे कुछ शब्द या लेख होते हैं। सम्राट अशोक ने अभिलेखों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों की अभिलेख यानी महत्वपूर्ण दस्तावेज, वे दस्तावेज जिसमें सम्राट अशोक ने पत्थर के ऊपर अपने नियम कानून लिखवाए। प्राचीन काल के एक गौरवशाली साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है तथा साथ ही शासक के रूप में अशोक की उदात्त विचारधारा का भी पता चलता है। अशोक के अभिलेख भी की खोज 1800 अशोक के अभिलेख की खोज 1830 ईस्वी के दशक में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप ने की थी तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा। इन अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया है जिसका अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाला। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है जबकि पश्चिम उत्तर भाग में प्राप्त अभिलेख अरामेइक व यूनानी भाषा में उत्कीर्ण है। अरामेइक व यूनानी लिपियों के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अशोक ने देवानाम प्रिय देवताओं का प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। अशोक के अभिलेखों में उनकी विचारधारा विचारों कलिंग युद्ध हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध हृदय परिवर्तन व प्रशासनिक सुधारों का वर्णन मिलता है। अशोक के स्तंभ अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। ये भारतीयों की वीरता एकता प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। ये 250 ईसा पूर्व से में बनवाया गया था। इसमें 4 शेर और धर्म चक्र है। इसी प्रकार हम स्तंभ सांची में भी बनवाया गया है। इसमें भी 4 शेर वैशाली स्तंभ में केवल 1 शेर है। ये बौद्ध मठ के पास स्थित है। मौर्यकालीन स्थापत्यकला मौर्य शासकों ने कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसके कारण कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। मौर्यकालीन कलाओं का वितरण निम्न प्रकार है स्थापत्यकला अथवा भवन निर्माण कला वास्तुकला मूर्तिकला पॉलिश करने की कला। मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्ता 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने जब भारत के शुरुआती इतिहास की रचना की शुरुआत की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक कॉलोनियल देश था। प्रस्तर मूर्तियों स्टोन स्कल्पचर सहित अन्य ऐसे स्रोत भी थे जिनसे मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्ता पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। मौर्य साम्राज्य लगभग 150 वर्ष तक सत्ता में रहा। मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित पहला सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। इस युग में सभ्यता और संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र व्यापार वाणिज्य लोगों की संपन्नता और जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। विकास हुआ। अशोक ऐसे पहले सम्राट थे जिन्होंने अपने शिलालेख के माध्यम से प्रजा को सीधे संबोधित किया, धर्म का प्रचार किया। राजधर्म की नवीन अवधारणा 6 शताब्दी ईसा पूर्व से 6 शताब्दी ईस्वी तक के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राजवंशों का उदय हुआ जिनके राजधर्म की विभिन्न भिन्न भिन्न संकल्पनाएँ थी। सभी संकल्पनाओं के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। दक्षिण के राजा और सरदार इस काल में सुदूर दक्षिण में स्थित तमिलकम क्षेत्र आधुनिक तमिलनाडु केरल व आंध्र प्रदेश चोल चेर पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व एकत्र करते थे। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पश वंशनगत हो सकता था या नहीं भी हो सकता। सरदार व राजा में मुख्य अंतर ये था कि सरदार अपने अधीनों से भेंट लेता था जबकि राजा कर लेता था। दैवी राजा लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व से प्रथम सदी तक शासक अपनी स्थिति को उच्च बनाने के लिए खुद को विभिन्न देवी देवताओं से जोड़ते थे। इसका उल्लेख उदाहरण कुषाण शासक
कुषाण शासक था। मथुरा के माट तथा अफगानिस्तान से मिली कुषाण मूर्तियों में उनके नाम के आगे देवपुत्र उपाधि उत्कीर्ण की गई थी। ग्रामीण देहात क्षेत्र में परिवर्तन, राजा और प्रजा। कृषि उपज बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। उपज बढ़ाने का प्रमुख माध्यम हल का प्रचलन था। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अथवा 600 ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती थी वहां लोहे के फल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की खुदाई की जाती थी। पंजाब, राजस्थान, अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने कुदाल का प्रयोग शुरू किया, जो इस क्षेत्र के लिए अत्यधिक उपयोगी था। संभ्रांत वर्ग और भूमिदान। भूमिदान के प्रमाण ईसवी की शुरुआती शताब्दियों से मिलते हैं। इसको संस्कृत, तेलुगु आदि भाषाओं में उत्कीर्ण कराया गया था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। भूमिदान के साथ साथ उस भूमि में स्थित गांव के प्रशासनिक व कर संबंधी अधिकार की हस्तांतरित कर दिए जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री वाकाटक वंश की प्रभावती गुप्त के दंगुन अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। नगर तथा नगर का उद्भव। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन नगरों में से अधिकतर महाजनपदों की राजधानी थी, जो नदियों तथा राजमार्गों के किनारे बसे थे। दक्षिण भारत के अधिकांश नगर समुद्र तट से बसे थे। इनमें से अधिकांश नगर अभी भी अस्तित्व में हैं। प्राचीनकालीन देशी व विदेशी व्यापार। देशी व्यापार प्राचीन काल में देशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। देशी व्यापार स्थल मार्ग, नहरों, नदियों के द्वारा होता था। सड़कों के दोनों किनारों पर छायादार वृक्ष लगाए गए थे। सराय अथवा धर्मशालाएं बनाई गई थी। देशी व्यापार पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, राजगिरी, कौशाम्बी, कन्नौज, मथुरा, तक्षशिला आदि व्यापारिक केंद्रों से होता था। विदेशी व्यापार प्राचीन काल में विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार के लिए जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था। सिक्के। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न राजवंशों के शासकों द्वारा चांदी और तांबे के आहत सिक्के ढाले गए तथा प्रयोग में लाए गए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके इनको जारी करने वाले राजवंशों और वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। शासकों की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए, जिन्होंने ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। सोने के सिक्के सबसे पहले 1वीं शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने जारी किए थे। आज की कला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।